हाय एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ ये पार्टी मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से, जो आपको 80 से 90 रुपए में मिल जाती है कहीं भी लोकल मार्केट में, और हर किसी के पास ये मिल जाती है। तो ये लुक मैंने किया है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से। अगर आप फाउंडेशन नहीं करना चाहते, आप लॉन्ग स्टे मेकअप चाहते हैं, तो इस तरीके से ये लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है और ये लुक आपको पसंद आने वाला है, बहुत ही इजी भी है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले जब भी आप मेकअप करने जाएं तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप चाहे तो फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या फिर वेट वाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले फेस वॉश अच्छे से कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज़ किया है और इसे मैंने अपने पूरे फेस पे और नेक पे स्प्रे किया। उसके बाद इसे ड्राई होने दिया, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। इसी पे हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल स्प्रे कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र आपको चूज़ करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो गाइस आप हाइड्रेटिंग कोई मॉइस्चराइज़र लेंगे। बहुत सारे ब्रांड हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आपको एक मिनट का गैप देना है अपने मेकअप के लिए। एक मिनट अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देना है। और ये मेकअप होने वाला है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से, तो यहाँ पे प्राइमर का यूज हमें नहीं करना है। डायरेक्टली हम पॉन्ड्स की बीबी क्रीम अप्लाई करेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस तरीके से आपको रखना है। यहाँ पे मैंने अपने फेस और गर्दन पे अच्छे से अप्लाई कर लिया और इसे अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि पॉन्ड्स की बीबी क्रीम हुई या लैक्मे की सीसी क्रीम हुई तो ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ब्लेंडर या ब्रश का यूज़ करें, फिंगर टिप से ही इसे आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कंसीलर, जहाँ पे हमारे हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का, जो अफोर्डेबल है। आप अगर ज़्यादा मेकअप किट नहीं रखते हैं तो कुछ चीज़ें रखते हैं तो आप ये कंसीलर ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। तो इसे जहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है गाइज, वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया और उसी जगह पे इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग में हमें कंसीलर ये ध्यान रखना है कि कोई लाइन नहीं दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया तो वहीं पे ब्लेंड करना है, बट लाइन नहीं दिखनी चाहिए। और कभी भी आप ब्लेंडर का यूज़ करें, उसे पानी में डिप करें, उसके बाद निचोड़ दें गाइस, उसके बाद ही आपको उसे यूज़ करना है। और आंखों के नीचे ये ब्लेंडिंग करते करते मैंने आईलिड के ऊपर भी कर दिया एज ए बेस। उसके बाद इसे मैं सेट कर रही हूँ मार्स के लूज़ पाउडर से, और ये लूज़ पाउडर काफ़ी अच्छा है, तो इसी से मैं सेट करूँगी। मैं इसे एक्स्ट्रा लगा के अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी। थोड़ा सा आँखों के ऊपर इसे मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि आई मेकअप हम करेंगे पहले। और आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आईब्रो किट का। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो आप उससे भी अपनी आईब्रो फिल कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे आईब्रो की शेप मेरी नहीं अभी है और मुझे सेट करवानी है, तो मैं इसे बहुत ध्यान में रख के कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हेयर हैं तो उसे थोड़ा इग्नोर करना आप। और फिर इसे लूज पाउडर को मैं पहले डस्ट आउट कर रही हूँ, उसके बाद पूरे फेस पे इसे सेट कर दूँगी। और ये एक पैलेट ले रही हूँ जिसमें कंटूर, ब्लश और हाइलाइटर है। तीनों चीज़ों के लिए यही पैलेट यूज़ करूँगी, जो है स्विस ब्यूटी का। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये करूँगी, कंटूर करते वक्त आप छोटा ब्रश लें, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े ब्रश से ही कंटूर करें, क्योंकि अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे या फेस पे फैल जाएगा तो उसे आप रिमूव नहीं कर पाएंगे या फिर हाइड नहीं कर पाएंगे। तो पतले ब्रश का यूज़ करें। पतला ब्रश मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फैलेगा नहीं आपके फेस पे। उसके बाद मैंने नोज़ कंटूर कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नेचुरल सा लुक आए तो नोज़ कंटूर करने के बाद जो ब्लश आप यूज़ करें उसी ब्लश से आप अपने नोज पे भी थोड़ा सा चला लें कंटूर के ऊपर, तो आपका नेचुरल लुक आ जाएगा। ब्लश के लिए सेम पैलेट का ही ब्लश मैंने लिया, ये काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया। अब नोज कंटूर पे मैंने बताया आपको इस तरीके से नेचुरल लुक लाने के लिए आपको करना है। कंटूरिंग के ऊपर ही हल्के हाथों से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, इससे एक नेचुरल लुक आएगा। अभी आपने देखा था कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट सा, बट अब आप देख रहे हैं ये हमारे फेस पे अच्छे से सेट हो गया है और ये पूरे दिन आपका मेकअप लॉन्ग स्टे करेगा। उसके बाद आई मेकअप करेंगे और आई मेकअप बहुत ही इजी होने वाला है बिगिनर के लिए। तो यहाँ पे एज ए ट्रांजेक्शन कलर मैंने पहले
ऑरेंज कलर का यूज़ किया, आप पिंक कलर भी ले सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर ले सकते हैं इसकी जगह। इसे अप्लाई करने के बाद में मैंने काजल अप्लाई किया, आप कोई सा भी काजल ले सकते हैं। तो काजल अप्लाई करने के बाद सेम काजल को भी मैं ऊपर से जैसे आईलाइनर अप्लाई करते हैं उस तरीके से अप्लाई करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद ब्लैक आई शेडो से इसे स्मच करना है। आई मेकअप बहुत ही ईजी होने वाला गाइस, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। यहाँ पे आपने देखा मैंने ब्लैक आई शेडो लिया और इसे इस तरीके से स्मच कर रही हूँ। इनर कॉर्नर की साइड में कम करना है आपको, और आउटर बी की साइड में आपको थोड़ा ज़्यादा करना है, जैसे लाइनर करते हैं उस तरीके से आपको स्मच करते हुए शेप देना है इस तरीके से। और सेम चीज़ आपको लोअर लैश लाइन के नीचे भी करना है। और गाइस ये आई मेकअप बहुत ही ईजी होता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी आँखें छोटी है तो ये आई मेकअप ज़रूर करना आप, बहुत ही खूबसूरत आपकी आँखों पर लगेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है, और सेम वही चीज़ आपको करना है, ऊपर स्मच करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये स्मच करना है जब आप आई शेडो पिक करें पिंक कलर का, तो पहले इनर कॉर्नर में करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी जो लगे वो इनर कॉर्नर की साइड में लगनी चाहिए। उसके बाद ब्लेंड करते हुए आउटर बी की तरफ आना है और उसी पर ब्लेंड करना है, ताकि कोई लाइन ना दिखे इस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ। सेम चीज़ें दोनों आँखों में कर लेनी है, उसके बाद लोअर लैश लाइन के नीचे भी सेम वैसी ही आपको प्रोसेस करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो फेक लैसेस लगा सकते हैं। अभी इतने ज़्यादा फेस्टिवल आ रहे हैं गाइस, आप ये तीज पे कर सकते हैं, रक्षाबंधन पे कर सकते हैं, या फिर आप सावन में भी कर सकते हैं, अभी चल रहा है सावन, करवा चौथ पे कर सकते हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन में शादियाँ आ रही हैं तो कहीं भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आता है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। साथ के साथ यहाँ पे हमने फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया, तो ये लॉन्ग स्टे भी करेगा पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। अगर आप पॉन्ड्स की बीबी क्रीम नहीं आपको मिलती या नहीं है, तो इसकी जगह सेम चीज़ आप लैक्मे की सीसी क्रीम से कर सकते हैं। मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम पे भी ट्यूटोरियल शेयर किया, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। उसके बाद मैंने मस्कारा का यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैबलिन का मस्कारा है जो काफ़ी अच्छा है गाइस। तो आप आँखें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ और लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए पहले सबसे पहले मैं लिप लाइन करूँगी डार्क ब्राउन कलर से, और यूज़ करने वाली हूँ पिंक कलर मैं इस पर। और पिंक कलर ऐसे अप्लाई करना है आपको, जो लाइन आपने क्रिएट की है उसके ऊपर तक जानी चाहिए। और ये लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिए। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो यहाँ पे आप मेरा फाइनल लुक देख रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रीटी सा होके आया है। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और भी सारे मेकअप लुक मैंने शेयर किए हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना।